नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा सप्तशती क्यों श्रापित है। दोस्तों, जब माता पार्वती ने दानवों के ऊपर बहुत क्रोध किया, तब वहाँ उन्होंने एक माँ काली का रूप धारण किया और माँ काली का अत्यंत भयानक और विकराल रूप देखकर सभी दानव और देवता भय से व्याकुल हो गए और वह अपने सामने आने वाले सभी प्राणियों का वध करने लगी। उनका क्रोध इतना भयानक था कि पृथ्वी भी नष्ट होने के कगार में पहुंच गई और उनके भय के कारण त्राही माम मचने लगा। तब देवताओं का नेतृत्व करते हुए भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप माँ काली का या देवी काली का क्रोध शांत करें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो संपूर्ण संसार का विनाश हो जाएगा और यह पृथ्वी सदैव के लिए नष्ट हो जाएगी। अपने पास आए ब्रह्मा जी को देखकर भगवान शिव बोले, अगर मैंने ऐसा किया तो इसका बहुत ही भयानक असर होगा। सारी पृथ्वी पर दुर्गा के रूप मंत्रों से भयानक शक्तियों का उदय होगा और उनका प्रयोग दानव भी करेंगे और उसके दुरुपयोग से वे संसार को भय से व्याकुल करेंगे और संसार में आसुरी शक्तियों का वास हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपके सिवा इस रौद्र रूप को कोई शांत नहीं कर सकता है, इसलिए कृपा करके कुछ उपाय करें। इस दौरान उदय होने वाले दुर्गा के मंत्रों को स्थापित कर दीजिए ताकि भविष्य में इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके और इसके फल को सदैव के लिए गुप्त कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा के द्वारा की गई प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने ऐसा ही किया। इस प्रकार भगवान शिव ने दुर्गा के सभी रूपों और मंत्रों को गुप्त कर दिया। तब वहाँ पर मौजूद नारद जी ने भगवान शिव से आग्रह किया, हे भगवान, यदि आपने माता दुर्गा के सभी रूपों और मंत्रों को गुप्त और श्रापित कर दिया तो इस संसार का कल्याण कैसे होगा, जो दुर्गा देवी के मंत्रों से ही हो सकता है। और जो भक्त माता दुर्गा की शरण में जाना चाहते हैं वो कैसे जाएंगे, जिनको माता दुर्गा का जागृत मंत्र प्राप्त करना है वो कैसे करेंगे, तथा कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि इन जागृत मंत्रों से संसार का कल्याण हो सके और आपके भक्त भी उसका लाभ प्राप्त कर सके। नारद जी के आग्रह के बाद भगवान शिव ने बताया कि दुर्गा सप्तशती को साप मुक्त और गुप्त से उभारने के लिए एक विधि का अनुसरण करना होगा। उसके बिना दुर्गा सप्तशती का कोई भी प्रयोग, मरण, वशीकरण, उच्चाटन जैसे मंत्र सिद्ध नहीं किए जा सकते, ना ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण लाभ मिलेगा। और उस मंत्र के द्वारा ही आप दुर्गा सप्तशती के पूर्ण मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं तथा उसके बाद ही माता दुर्गा के सभी जागृत मंत्र आपके कार्य हेतु अग्रसर होंगे। इसके पश्चात वह मंत्र केवल आपको एक लेखनी के तौर पर ही दिखेंगे, अर्थात उन मंत्रों का प्रयोग निष्क्रिय माना जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आने वाले वीडियो विषय में आपको जानकारी मिलती रहे।